हेलो एवरीवन, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सोरिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग स्कैफोल्डिंग के बारे में देखेंगे। स्कैफोल्डिंग आपका क्या होता है कि स्कैफोल्डिंग बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपका ये बिल्डिंग है, ठीक है, तो बिल्डिंग में क्या हुआ, आप अगर 1.5 मीटर से एवर वर्क कर रहे हैं, अगर कोई कारीगर किसी रूफ सरफेस से 1.5 मीटर से एवर वर्क कर रहा है, तो उसको वर्क करने के लिए, जैसे ये आपका रूफ है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है, और ये ग्राउंड फ्लोर है, तो कारीगर को एक जो सामग्री होती है कंस्ट्रक्शंस की, उसके लिए और खुद के लिए एक टेम्प्रोरी सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लकड़ी का, बांस का मचान बनाते हैं, जिसके हेल्प से कारीगर जो है क्या करता है, आसानी से वर्क कर सकता है। तो यही चीज़ आपका स्कैफोल्डिंग कहलाता है। ये टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप से बनाया गया है, ये आपका एक टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर बनाया गया है ताकि वर्कर यहाँ पे आसानी से इस वॉल से सपोर्ट होके क्या कर सके, अपना वर्क कर सके, चाहे प्लास्टर का काम हो, पेंटिंग का काम हो, और साथ ही साथ जो उसका कंस्ट्रक्शन का सामग्री है उसको भी यहाँ पे वो रख सके। तो ये चीज़ आपका जो टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर बनाया गया है, यही आपका स्कैफोल्डिंग कहलाता है। यही चीज़ आपका यहाँ लिखा है, व्हेन द हाइट ऑफ वॉल और कॉलम ऑफ बिल्डिंग एक्सीड अबाउट 1.5 मीटर, टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर आर एडेड टू सपोर्ट द प्लेटफॉर्म ओवर विच द कंस्ट्रक्शन मटेरियल मे बी पुट एंड वर्कमैन कैन सीट। क्या कर सकता है कि आप वर्कमैन जो है वहाँ पे बैठ सकता है और कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जैसे मान लीजिए पेंट हो गया, प्लास्टर का सामान हो गया, उसको वहाँ पे रख सके और वर्कमैन वहाँ पे काम कर सके। इसके लिए आपका एक टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। कैरी आउट फर्दर कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन, दिस टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर आर मेड डन टू द वॉल आर नॉन एज स्कैफोल्डिंग। यही जो आप टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर बनाते हैं कहाँ पे, वॉल के पास, ये आपका स्कैफोल्डिंग कहलाता है। स्कैफोल्डिंग मे बी मेड ऑफ बैम्बू, टिम्बर और स्टील। आप जो ये स्कैफोल्डिंग बना रहे हैं वो किस किस चीज़ से बन सकता है, बांस से लकड़ी से और स्टील से, ठीक है। स्कैफोल्डिंग आर नीडेड फॉर रिपेयर एंड डिमोलिएशन ऑफ बिल्डिंग ऑल्सो। अगर आपको रिपेयर का वर्क करना है या किसी बिल्डिंग में आपको उसको ध्वस्त करना है, तोड़फोड़ करना है, तो इस जगह जो है आपका स्कैफोल्डिंग की ज़रूरत होती है हमें, ठीक है। द स्कैफोल्डिंग मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, कैरी द लोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड वर्कमैन। कहता है जो स्कैफोल्डिंग हमने तैयार किया है वो इतना स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होता है जो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल का लोड और वर्कमैन का लोड, दोनों के लोड को क्या कर लेता है, कैरी कर लेता है, मतलब दोनों के लोड को, ये भार को, वजन सह सकता है। अब स्कैफोल्डिंग भी आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे सिंगल ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग, डबल और मेसन्स स्कैफोल्डिंग, नीडिल स्कैफोल्डिंग और कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग, ट्रेस्टल स्कैफोल्डिंग एंड स्टील फोल्डिंग। सिंगल में आपको पता चल गया कि एक साइड आपका स्कैफोल्डिंग बनेगा, डबल में आपका दोनों साइड रहेगा, नीडिल स्कैफोल्डिंग और कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग, सस्पेंडेड आपका किस टाइप का रहेगा, वैसे जगह पे सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग का रिक्वायरमेंट होगा जहाँ पे ग्राउंड सरफेस वगैरह नहीं, मान लीजिए खाई है और पानी है, या मान लीजिए यहाँ पे आपका रोड वगैरह है और आने जाने में किसी यात्री को असुविधा ना हो, तो वैसे जगह पे जो ये आप स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जहाँ पे वर्कमैन काम कर सके, उसको इस तरीके से हुक से लटका के बनाया जाता है जिससे कि सामने किसी को आने जाने में सुविधा भी ना हो और आसानी से काम असुविधा ना हो और आसानी से काम हो सके। फिर है ट्रेस्टल स्कैफोल्डिंग और स्टील स्कैफोल्डिंग। स्टील स्कैफोल्डिंग यानी इस तरीके से जो मचान बनाया है यहाँ पे बेम्बू का, लकड़ी का, वो स्टील का भी हो सकता है। तो स्कैफोल्डिंग आप समझ गए एक तरीके का ये क्या है, एक मचान है जो कि आपको किसी भी बिल्डिंग में या कंस्ट्रक्शन में वर्क में यूज होता है, ठीक है।
अब देखिए डबल और मेसन स्कैफोल्डिंग में आप देख सकते हैं डायग्राम, ये आपका मेसन स्कैफोल्डिंग है और ये वाला आपका कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग है। ओके, इसमें क्या है आपका, यहाँ पे दिख रहा होगा इस टाइप से आपका दो आपका वर्टिकल मेंबर जिसको कि हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं, और इस टाइप से वॉल से जो परपेंडिकुलर इस टाइप से दिया जाता है लकड़ी का जो भी बांस वगैरह, ये आपका लेजर्स कहलाता है। और इस साइड से जो इंक्लाइंड सपोर्ट मिला है, ठीक है, इसी को हम लोग रैकर्स बोलते हैं। यहाँ पे देखिए कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग है, इसमें क्या किया है, एक नीडिल है, नीडिल के थ्रू यहाँ पे आपका एक स्टैंडर्ड पुटलॉक्स और वर्किंग के लिए प्लेटफॉर्म इस तरीके से यहाँ तैयार किया गया है। डबल और मेसन स्कैफोल्डिंग में क्या होता है, इन केस ऑफ स्टोन मेसनरी वॉल कंस्ट्रक्शन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू लीव होल्स फॉर द बियरिंग ऑफ पुटलॉक्स, फॉर दिस रीजन इंडिपेंडेंट फ्रेमवर्क ऑफ स्कैफोल्डिंग हैविंग डबल रो ऑफ वर्टिकल मेंबर आर इरेक्टेड, वन रो ऑफ वर्टिकल मेंबर इज वेरी क्लोज टू द वॉल एंड अदर रो इज अबाउट डिस्टेंस वन ऑफ 1.5 मीटर, सिंस द फ्रेम डज नॉट हैव कनेक्शन विद द वॉल रैकर्स आर प्रोवाइड फॉर स्टेबिलिटी द मेसन स्कैफोल्डिंग शोन इन फिगर। कहता है डबल मेसन स्कैफोल्डिंग आप कहाँ यूज करते हैं, जब आप मेसनरी वर्क कर रहे हैं किसका, स्टोन का, ठीक है, उस समय क्या होता है कि स्टोन वर्क करते समय किसी भी टाइप का होल छोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए क्या होता है आपका जो फ्रेम वर्क है वो तो इंडिपेंडेंट रहता है। इंडिपेंडेंट होने के वजह से क्या होता है कि हम लोग स्कैफोल्डिंग जो बनाते हैं वो डबल रो और वर्टिकल का तैयार करते हैं, जो कि एक रो तो दीवार से आपका सटा रहता है और अदर जो है आपका कुछ डिस्टेंस पे जाके, कितना डिस्टेंस, 1.5 मीटर से इसको सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। इसको इसमें क्या कौन कौन सा कनेक्शन अवेलेबल होता है, रैकर्स प्रोवाइड किया जाता है स्टेबिलिटी के लिए, रैकर्स देखिए ये वाले पार्ट आपका रैकर्स कहलाता है, ठीक है। फिर है आपका कैंटिलीवर, इस टाइप से आप डायग्राम देख रहे होंगे कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग, इसमें क्या किया है, एक दो तीन, तीन आपका क्या लिया है इसमें, स्टैंडर्ड्स लिया है। कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग आल्सो कॉल्ड नीडिल स्कैफोल्डिंग इज यूज्ड व्हेन ग्राउंड वेयर स्टैंडर्ड आर टू बी प्लांटेड इज वीक, कंस्ट्रक्शन ऑफ अपर पार्ट ऑफ वॉल इज कैरिड आउट व्हेन द स्कैफोल्डिंग डज नॉट डिस्टर्ब द ट्रैफिक। कहता है कि हम लोग कैंटिलीवर को नीडिल स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं, ये कहाँ यूज किया जा सकता है, जहाँ कि आपको ग्राउंड नहीं है, ठीक है, नदी है, तालाब है, खाई है, इस टाइप से है तो आप नीडिल वाला स्कैफोल्डिंग का यूज करेंगे, या अपर पार्ट जो है वॉल का आपका कैरिड करना है तब हम लोग क्या करते हैं, स्कैफोल्डिंग का यूज करते हैं। और कहाँ करते हैं, जहाँ जैसे मान लीजिए रोड वगैरह है यहाँ पे, अब ट्रैफिक में दिक्कत ना हो, डिस्टरबेंस ना हो, तब आपका ये नीडिल कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग यूज होता है। फिर वैसे ही है आपका सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग, अ लाइट वेट स्कैफोल्डिंग यूज फॉर पॉइंटिंग प्लास्टरिंग एंड पेंटिंग द एक्सटर्नल फेस ऑफ द वॉल। कहता है कि सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग के हल्का वेट होता है, जिसका यूज आप किस चीज में करते हैं, पॉइंटिंग में, प्लास्टरिंग में और दीवार के पेंटिंग करने में। द प्लेटफॉर्म फॉर वर्कमैन आर सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ रोप्स और चैन आर टाइड द रूफ एंकर्स। कहता है क्या कि लकड़ी वर्कमैन जो है क्या क्या करता है, इसमें जो आपका स्कैफोल्डिंग इस तरीके से तैयार किया गया है बांध के, जो कि क्या चीज से लटका हुआ रहता है, छत के लंगर से, ठीक है। द प्लेटफॉर्म कैन बी राइज्ड और लोअर्ड एट एनी हाइट, इस टाइप का प्लेटफॉर्म को आप क्या कर सकते हैं, हाइट के साथ आप इसको उठा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। फिर है आपका ट्रेस्टल स्कैफोल्डिंग, ट्रेस्टल स्कैफोल्डिंग कहाँ यूज करते हैं, ट्रेस्टल स्कैफोल्डिंग आर यूज इनसाइड द बिल्डिंग। कहता है बिल्डिंग के इनसाइड में आप लोग यूज करते हैं फॉर रिपेयर वर्क एंड पेंटिंग वर्क, कोई आपको रिपेयर करना है, डैमेज हो गया या पेंटिंग करना है, तब आप कौन सा यूज करते हैं स्कैफोल्डिंग,
ट्रेस्टल स्केप फोल्डिंग। दीज ट्रेस्टल इज मेड आउट ऑफ 3 बैम्बू और 3 स्टैंडर्ड कनेक्टेड एट टॉप बेस और टाइप विथ 3 हॉरिजॉन्टल वुडन मेंबर हाइट ऑफ 40 सेंटीमीटर ग्राउंड। कहता है ग्राउंड से 40 सेंटीमीटर के हाइट पे क्या करते हैं, 3 बैम्बू लेते हैं, 3 स्टैंडर्ड लेते हैं टॉप पे, जिसको कि अच्छे से बांध के हॉरिजॉन्टली आप इसको कनेक्ट कर देते हैं। फिर है आपका स्टील स्केप फोल्डिंग। स्टीप स्केप फोल्डिंग को हम लोग ट्यूबुलर स्केप फोल्डिंग भी कहते हैं। स्टील स्केप फोल्डिंग इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू टिम्बर स्केप फोल्डिंग। कहता है कि आपका जो स्टील स्केप फोल्डिंग है वो सेम होगा जैसा कि आपका टिम्बर स्केप फोल्डिंग है। ओके फिर कहता है द टिम्बर मेंबर आर रिप्लेस्ड बाय 38 टू 40 डायमीटर स्टील ट्यूब्स एंड रोप फास्टनिंग इज रिप्लेस्ड बाय स्पेशल फिटिंग एंड कपलिंग। कहता है कि आप जो टिम्बर टिम्बर के जगह स्टील वाला यूज कर देंगे तो स्टील स्केप फोल्डिंग हो जाएगा, लेकिन जो आप व्यास रखेंगे स्टील का डायमीटर वो कहता है हम लोग कितना रखेंगे, 38 से 40 mm का डायमीटर का होना चाहिए। ठीक है, और क्या है आपका, ये आपका डायग्राम है स्टील इसकी फोल्डिंग का। ये क्या किया है, जो आप मचान बना रहे थे टेम्प्रोरी वर्क करने के लिए, हम लोग पहले टिम्बर का बनाते थे और यहाँ पे आपको क्या किया गया है, बस स्टील का यूज कर दिया गया। स्टील वाले में यहाँ पे आपको ब्लैक कलर से कनेक्शंस दिखाई दे रहा होगा। ये कनेक्शंस क्या करता है कि स्टील आपका इस टाइप्स का होता है कि आप इसको क्या करते हैं, ज़रूरत के हिसाब से आप इसको खोल भी सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इसका रिपेयर भी कर सकते हैं, बट ये आपका कॉस्टली होता है। आपका लास्ट टॉपिक है सेफ्टी प्रिकॉशंस ऑफ स्केप फोल्डिंग, कि आप जब स्केप फोल्डिंग जो है यूज करेंगे बनाएंगे तो आप क्या सेफ्टी अपनाएंगे। वेरियस सेफ्टी मेजर टू एडॉप्टेड वाइल यूजिंग स्केप फोल्ड्स आर। कहता है ऐसा बहुत सारा चीज़ को आपको एडॉप्ट करना होगा, माइंड में याद रखना होगा जब आप क्या करेंगे किसी भी स्केप फोल्डिंग को तैयार करेंगे, चाहे वो टिम्बर का हो, स्टील का हो, सस्पेंडेड हो या ट्रेस्टल स्केप फोल्डिंग हो। कहता है एवरी स्केप फोल्डिंग शुड बी वेल सपोर्टेड और सस्पेंडेड एंड प्रॉपरली ब्रेस्ड और स्ट्रटेड टू इंश्योर स्टेबिलिटी। कहता है कि जितना भी स्केप फोल्डिंग है सबको जो है सपोर्ट जो देंगे वो अच्छी तरीके से देंगे, उसका सस्पेंडेड भी अच्छा होगा, ब्रेसेस भी आप अच्छी तरीके से प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे जो आप इस टाइप से देख रहे हैं डायगोनली, ये सब आपका ब्रेसेस कहलाता है। ठीक है, ये सब क्या है आपका स्टील का है, यहाँ पे टिम्बर का भी इस टाइप से सपोर्ट दे सकते हैं, जो डायगोनली देंगे आप वो आपका क्या कहलाता है, ब्रेसेस। कहता है सब चीज़ को आप अच्छे से सपोर्ट करेंगे। सेकेंड कहता है ऑल स्केप फोल्ड एंड वर्किंग प्लेटफॉर्म शुड बी सिक्योरली फास्टेंड ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर। कहता है क्या कि आप जो भी स्केप फोल्ड तैयार करेंगे या वर्किंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे यहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे वर्किंग वर्क होगा आपका, कहता है इतना अच्छे से उसको हमको बांधना है किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर में। इफ़ द स्केप फोल्ड आर इंडिपेंडेंट दे शुड बी ब्रेस्ड एंड गाइड प्रॉपरली। कहता है कहीं भी आपका स्केप फोल्ड अगर स्वतंत्र है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेसेस को अच्छे से और गाइड को प्रॉपरली देंगे। इफ़ द स्केप फोल्डिंग आर टू बी यूज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अ रेगुलर प्लैंक स्टेयर वे वाइड इनफ टू अलाउ पीपल टू पास शुड बी इरेक्टेड विथ हैंड रेल्स ऑन बोथ साइड। व्हेन द वर्क इज बीइंग परफॉर्म्ड अबव एज स्केप फोल्ड प्लेटफॉर्म अ प्रोटेक्टिव ओवरहेड कवरिंग शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द वर्कमैन ऑन स्केप फोल्ड। During dismantling scaffold, necessary precautions should be taken to prevent injury to person due to fall of loose material, bracing and other parts of scaffold. कहता है कि आप scaffold जब तैयार करेंगे तो बहुत सारे precautions mind में रखेंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे, scaffold तैयार करने के लिए उसको अच्छे तरीके से support provide करेंगे। ठीक है, और उसको ब्रेस्ट वगैरह जो डालेंगे properly डालेंगे और इस तरीके से सिक्योर करेंगे बिल्डिंग स्ट्रक्चर में ताकि वो अच्छे से टाइट हो जाए। ठीक है, जब आप इसको अगर इसको ज़्यादा टाइम के लिए आपको क्या करना है, यूज करना है, तो आप एक स्टेयर वे वाइड अलाउ करेंगे ताकि दो लोग आसानी से पास कर सके। किसके मदद से, हैंड रेल के मदद से।
और क्या कह रहा है कि अगर आपका किसी भी तरह का लूज होने के वजह से ब्रेसेस आपका वीक पड़ गया, ठीक है, तो आपके उसे इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी टाइप का जो से टिम्बर आप यूज किए इसमें किसी भी तरह का इंजरी नहीं होना चाहिए। अगर ये इंजरी होगा तो क्या होगा, ये टूट जाएगा और आपका जो ये वर्किंग वाला पैलेस है ये डैमेज होगा। वर्क जो मैन जो वहाँ काम करेगा उस वो क्या हो सकता है, वहाँ से गिर सकता है। तो इसके लिए आपको हर चीज़ को अच्छे से प्रॉपरली तरीके से बनाएंगे ताकि आपको जो है किसी भी तरह का इंजरी ना हो। तो आज का यूनिट आपका कंप्लीट होता है स्कैफोल्डिंग का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।